वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। और ये नमस्कार आ रहा है जॉर्जिया से। जॉर्जिया जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं नहीं, अमेरिका वाले जॉर्जिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पहले रशिया में होता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जॉर्जिया की। और ये जो जॉर्जिया है, लोग बड़े बढ़िया, वहाँ पर खाना जो है, वहाँ की बड़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं। उसमें से एक जो स्पेशलिटी खासतौर से वेजिटेरियंस को बड़ी पसंद आती है वो है लोबियो। तो ये जो लोबियो है ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली जो राजमा है उसको आप रात भर सोक करके फिर उसे बॉयल कर लें नमक डाल के, जैसे राजमा पकाते हैं बस उसी तरह से। और ये जो राजमा है ये बॉयल किया हुआ, ये इसका पानी। और इसको पकाने के लिए ये तेल मैंने गरम कर लिया है, और इस तेल में थोड़ा सा तेज पत्ता, और फिर स्लाइस किया हुआ प्याज। और ये देखिए जो लोबियो है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है, देखते हैं कि कैसे बनेगा ये ज़बरदस्त। और इसमें हल्का सा इसे पका के प्याज को, इसमें आप देखेंगे सिंपल रेसिपी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ये मशरूम के साथ में। तो मशरूम के साथ में ये बनेगा लोबियो। तो लोबियो बनाने के लिए ये मशरूम, और फिर इसमें मशरूम डालने के बाद ये इसके अंदर नमक, और फिर इसमें ये देखिए ये डाल के ये जो हमारे पास है लोबियो, मतलब ये जो राजमा है ये इसके अंदर, राजमा का पानी भी, और ये लीजिए ये ले लिया। और इसमें इसको पकाना है हमें, लेकिन उसके साथ साथ इसमें डालते हैं पैप्रिका। और ये जो पैप्रिका है, ये पैप्रिका पाउडर, ये एक्चुअली रोस्टेड पैप्रिका पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं होता। और अगर आपको ये नहीं मिले तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें, वहाँ जो लोबियो बनाते हैं ना वो बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते, तो एकदम कम तीखा। और ये ले लिया, और इसको साथ में पकाना है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो एक सार हो जानी चाहिए, और उसके लिए ये देखिए ये इसमें टोमेटो प्यूरे भी, आप टोमेटो प्यूरे डाल सकते हैं, टोमेटो पेस्ट डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे ये रेड पेपर्स, ये लाल शिमला मिर्च, ये इसके अंदर, ये देखिए ये भी इसका रंग जो है बड़ा बढ़िया करता है। और ये पकने के बाद में जब अच्छी तरह से पक जाता है तो इसमें अब कुछ और डालना नहीं है, बस इसके अंदर ये जो सब चीज़ें हैं इसको पकने देना है हमने ढक्कन लगाकर। और इसको ढक्कन लगाकर पूरी तरह से पकने दें ताकि ऑलमोस्ट पक पक के एक सार हो जाए सब, इसमें जो ग्रेवी है काफ़ी थिक हो जाती है। और उसके बाद में ऐसे बर्तन में इसको सर्व किया जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो इसको जब ये पूरी तरह से पक जाए, इसका रंग एक सार हो जाए, मशरूम ऐसे नहीं दिखेंगे, और फिर इसमें डालकर इसको ओवन में रख के गर्म करके फिर इसको सर्व किया जाता है। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये पक के ये इसका रंग कितना बदल गया है, थोड़ी देर इसको और पकाना है। अच्छा, इसमें से ये जो बे लीफ है ये मैं निकाल लेता हूँ, इसे थोड़ा सा मैश कर देते हैं हम, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। ये हैंड ब्लेंडर लिया, एकदम फास्ट कन्वीनियंट, और ये सिंपल है देखिए कितना। और इसको अब देखिए इसका जो लुक है वो कैसे बदल गया, ये लीजिए। और ये इसके अंदर ये लोबियो, और अगर आप जा रहे हैं जॉर्जिया और आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता तो घबराइए नहीं, लोबियो से आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से सफल। ढेर सारा खाएं लोबियो, गर्मा गर्म वहाँ की ब्रेड, और ये बीन्स, नाम है लोबियो।
लोबियो बनाने के लिए 200 ग्राम राजमा रात भर भिगोकर पकाए हुए, 200 ग्राम मशरूम स्लाइस किए हुए, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 तेज पत्ता, 3 मध्यम प्याज पतले स्लाइस किए हुए, 1 छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी, 1 मध्यम लाल शिमला मिर्च पतली स्लाइस की हुई। लोबियो बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन में तेल गरम करके उसमें डाले तेज पत्ता और प्याज और हल्का सा भूने। अब डाले मशरूम, नमक, राजमा और वो पानी जिसमें राजमा पकाया था और अच्छी तरह मिला ले। फिर डाले पेपरिका, लाल मिर्च पाउडर और अच्छी तरह मिला ले। 2 मिनट तक पकने दे। अब टोमेटो प्यूरी और लाल शिमला मिर्च डालकर मिला ले। ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाए। हैंड ब्लेंडर से जरा सा मसल ले, जॉर्जियन क्ले पॉट में परोसे।